सर तो आज हम बना रहे हैं बॉकटिस, बॉक्स पैटिस। बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ या मटन की बोनलेस। इसे आप अदरक लहसुन डाल के अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा और देन इसको हम रेशा कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमने इसको रेशा कर लिया। रेशा करने के बाद हम एक पैन लेंगे। पैन में हमने 2 टेबल स्पून बटर डाला, मक्खन, इसको अच्छे से हमने मेल्ट किया। और अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिएगा ताकि बटर जले नहीं। अब हमने इसमें ग्रीन चिली ऐड की, ग्रीन चिली 1 टीस्पून ऐड की हमने इसमें, और इसे थोड़ी देर कुक करा। जब ये थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो हम इसमें शिमला मिर्ची एक अदर ऐड करेंगे। और अब हम इसे थोड़ी देर कुक करेंगे। थोड़ी देर हमने इसे कुक कर लिया, फिर हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक 1 टीस्पून, हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की, और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर बनाया, 2 टेबल स्पून का कॉर्नफ्लावर लिया और इसे पानी में अच्छी तरीके से घोल लिया और कॉर्नफ्लावर बना के हमने एक साइड पे रख दिया। अब हम इसमें बॉयल एग ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड करना है। अब बॉयल एग ऐड कर दिया अब हमने इसमें, और इन सबको मिक्स करना है और कॉर्नफ्लावर को ऐड करेंगे और थिक ग्रेवी बना लेंगे हम इसकी। चलो मीडियम चूल्हे पे पकाएगा, बहुत तेज नहीं पकाएगा क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा ताकि आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो, ताकि लम्स नहीं बने इसमें। जब ये थिक ग्रेवी बन जाएगी तो हम इसमें अपने बीफ का रेशा ऐड कर देंगे। 1/2 kg बीफ है मेरा, हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसे पैटिस की सूरत में बनाएंगे। तो जब ये थिक हो गया, इसे हमने ठंडा कर दिया, और अब हमने इसके लिए, इसको स्टिक करने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया और पानी से इसको घोल के अच्छे से थिक गाढ़ी पेस्ट बना ली। और हमने इस तरीके से समोसे की पट्टियाँ ली हैं और इन पट्टियों को हमने इस तरीके से रखा और फिर इसके अंदर ये मसाला ऐड किया और हमने इस तरीके से इसको बांध लिया बॉक्स की सूरत में। आराम आराम से हम अच्छे से इसको कवर कर लेंगे ताकि कोई भी हिस्सा इसका खुला ना रहे, वरना तेल के छींटे उड़ेंगे और प्रॉब्लम होगी। फिर हमने इसको अच्छे से हमने कवर कर लिया और हमने जो थिक हमने पेस्ट बनाया था उससे इसको स्टिक कर लिया, और फिर हम इसे अच्छे से डीप फ्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे इसका मज़ेदार सा टेस्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।